हाईएस्ट में कितना जाता है? हाईएस्ट में जाता है 50,000 रुपीस पर टेन एमएल। वो कौन सा वाला है? ऊद का होता है ये, ऊद वुड होती है। अच्छा, ये कैसे? इसका भी इत्र बनाना होता है, फ्लावर हर्ब्स जो भी। जैसे ये केवड़ा है, बिरयानी जैसे खुशबू। ये खुशबू आपने ली है, इसका नाम है दस्तक। दस्तक दस्तक मीन्स नॉक, और खुशबू का काम है कि आप लगाए हो तो सामने वाले की दिलो दिमाग को दस्तक दे, कि दस्तक तो दे रहे हो बड़े आन बान से। दस्तक तो दे रहे हो बड़े आन बान से, आवाज क्या मिलेगी तुम्हें खाली मकान से। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा, मेरा एक दूसरा चैनल है वेजी बाजी के नाम से, जिसके ऊपर अभी लखनऊ फूड सीरीज चल रही है। तो लखनऊ क्या फेमस है, लखनऊ का खाना, लखनऊ के नवाब और लखनऊ की सुगंधित खुशबू, माने लखनऊ के इतर। तो ये वीडियो लखनऊ के इतर के ऊपर होने वाली है। मैंने कुछ घर के लिए इतर लेने गया था, तो वहीं पर मेरे को पता चला कि ऊद क्या होती है। मेरे को ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी नॉलेज ली और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वो नॉलेज शेयर करता हूँ। और 50,000 रुपये का 10 ml का इतर, जाके देखते हैं अंदर वीडियो के अंदर क्या इतर है। और बहुत ही एंड में खूबसूरत शायरियाँ हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आपसे बात करते हैं वीडियो के अंदर, स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड फ्यू। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि कौन कौन से फ्रेग्रेंसेस वगैरह आपके पास है? ये जो भी फ्लावर्स आते हैं, हाँ, वो तो सारे इंडिविजुअल मिल जाएंगे आपको। अच्छा, रोज, जैस्मिन, लेवेंडर, केवड़ा, मूलसिरी, हरसिंगार, चंपा। तो मतलब जैसे अगर किसी को नहीं इतना ज्यादा नॉलेज इतर का, तो इतर कैसे होता क्या है? मतलब वो तो फ्रेग्रेंस आपको किस तरह की पसंद है उस पर डिपेंड करता है। परफ्यूम जैसे ही होता है इतर? परफ्यूम तो अब चले लगे है फ्रेग्रेंस, वो परफ्यूम टाइप के बेस जो होते हैं। मतलब अगर किसी को समझाना हो इतर क्या हो, तो उसको एक तरीके से ये समझाएंगे सुगंधित खुशबू है। आप उसको ये समझाइए कि इतर का सब्स्टिट्यूट परफ्यूम होता है। अच्छा, वही आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों को समझाओ कि अगर किसी को नहीं पता इतर क्या होता है, तो क्या होगा, कैसे समझाओगे उसको? इतर का जो सब्स्टिट्यूट है वो परफ्यूम है। अच्छा, ये बना है परफ्यूम, बाद बना है। ठीक है, तो अब जैसे ये मैंने जैसे ये लिए, ये हम लोगों ने घर के लिए लिए, अपना मेरे भाई को शौक है थोड़ा परफ्यूम का। आपने रोज लिया है? अच्छा, ये वो सुल्तान हो गया, ये रोज है गुल हो गया। इनकी अलग पैकिंग है? हाँ, उनकी पैकिंग अलग है। अच्छा, क्यों? रेंज अलग है इनकी। और ये आपका खास हो गया। अच्छा, और ये आपका दस्तक। अब कितना आपने हमारा जुर्माना बनाया है? इस चार लिए, कुछ फैमिली डिस्काउंट है। कितने कितने का है ये? 600 का है ये 600, ये 300 का है फर्स्ट, ये 200 का है। ये मैंने कौन कौन से लिए? ये मिक्स फ्लावर स्मेल है, इसको हमने नाम दिया है दस्तक। दस्तक तो छन के आती है किवाड़ों से हिना की खुशबू, ये किसने रंग भरे हाथ से दस्तक दी है। अच्छा। भैया थोड़ी शायरी भी करते हैं। ये रोज और ये दस्तर और खस नेचुरल होता है। खस के भी अलग अलग रेंज है। ये वाला 600 वाली रेंज का 10 ml है। और कितनी रेंज तक जाता है? 5,000 पर 10 ml तक जाता है। उसका क्या सीन रहता है, इतना रेट क्यों जैसा ज्यादा रहता है? इतना पुराना होता जाता है, वैसे वैसे स्मेल जो फाइन होती है। अच्छा, और ये वाला कितना पुराना है? ये तो अभी फ्रेश है। ये फ्रेश है, तो मतलब इसको अगर 1 साल छोड़ दे, हाँ, तो ये भी पुराना हो जाएगा। जितना टाइम छोड़ दे जाएंगे उतना इसकी फ्रेग्रेंस बढ़ती जाएगी। और इसकी तो इसको 1 साल बाद लगाए ज्यादा मजा आएगा, थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी, गाढ़ा होता जाएगा। 1 साल बाद इसमें ज्यादा मजा आएगा। और जो 5,000 वाला है वो कितना पुराना है? वो कम से कम 15 साल पुराना है। 15 साल पुराना है, ठीक है। और आपका कैसे, क्या रेंज में रहते हैं ये सब? ये हमारा 410 ml से स्टार्टिंग है। 410 से 10 ml, जैसे ये वाला इनमें से कोई है ना, ये वाला दस्तक 410 ml का है। और जैसे ये वाला है, ये 1200 का नोट तो होता है। हाँ, वुडी और फ्लावर मिक्स किया गया है। अच्छा, तो ये 1200 का 10 ml है। 1200, और हाईएस्ट में कितना जाता है? हाईएस्ट में जाता है 50,000 रुपीस पर 10 ml। वो कौन सा वाला है? ऊद का होता है, नेचुरल जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है। वो एक बार दिखाएंगे जरा, कौन सा है? ऊद क्या होता है? वुड होती है। वुड, वुड, अच्छा, एक तरह की वुड होती है ये, काफी ये 50,000 में। ये ऊद वुड होती है। अच्छा, ये इसमें से ऑयल निकाला जाता है। प्रोसेस, इसका प्रोसेस कैसे रहता है? मतलब इसको हम लोग बर्न करते हैं, ये तो घर में जैसे बर्न करके इसका ऑयल निकालते हैं, नहीं बर्न करके, नहीं इसको बॉइल करते हैं। ये प्रोसेसिंग मॉडल है हमारा। अच्छा, से तो बनता है इसमें।
कैसे? इसका भी इतर बनाना होता है, फ्लावर हर्ब्स जो भी, जैसे सपोज खस का इतर बनाना है, इसमें खस इसके अंदर डलेगा, खस की जो रूट होती है वो इसमें डाली जाती है, ठीक है, फिर इसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, जरूरत के मुताबिक इसको यहाँ से सील कर दिया जाता है, ठीक, एक स्पेशल मट से जो कि आपको इसमें दिखाया गया होगा, क्योंकि ये ना ऐसी चीज है काफी पुराने टाइम की है और लोगों को अब ना इसकी थोड़ी नॉलेज जाई जा रही है, इस तरह से ये इसको सील करो, जैसे दम करते हैं, जैसे हाँ जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, हाँ उसकी स्टीम इस पे ये होता है, बैम्बू पाइप होता है उसकी, ये जो है ये वाटर टैंक में रहता है पॉट, ठीक है, वाटर टैंक में रहता है, इसकी स्टीम इस पे ठंडी होती रहती है और बूंद बूंद करके स्टीम में मिलता जाता है, ये रोज बॉयल किया जाता है इसकी रोज, अच्छा जो ये फ्लेवर है ये हल्का हल्का बूंद बूंद करके इसमें गिरी जा रहा है, इसमें आ जाता है, उससे फिर पानी पर से उतार लिया जाता है, चिकनी ऊपर आ जाती है, उतार के अलग कर लिया जाता है, वो पानी और जो उसका सरफेस है विस्कोसिटी याद है, फिर उसको एक बोतल होती है कैमिल स्किन की, उसमें रख के उसका मॉइस्चर खत्म किया जाता है, अच्छा ये क्वालिटी सिर्फ टाइम के जी टाइम पासिंग पे आता है, ये गुलाब वाला बन रहा है यहाँ से, मतलब कंडेंस हो रहा है और नीचे आता जा रहा है और कलेक्ट भी हो गया, तो कितने सालों से बनी जा रहा है इधर, ये तो 50,000 वाला है, ये 400 वाला है, सबका प्रोसेसिंग सेम है, प्रोसेसिंग बस टाइम का डिफरेंस, टाइमिंग का कॉस्ट होती है, जैसे ये कम बहुत मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे आपके यहाँ आसाम में मिलती है, आसाम में मिलती है, अच्छा तो इसकी प्राइस कौन सा बोला था आपने, ये ऊद, ऊद ये आपने बोला हमें पसंद नहीं है, 50,000 थोड़ी देर में कुछ अच्छा लगता है, मतलब ये ऐसी है जैसे मुझे भी मतलब एक्वायर्ड टेस्ट है, ये थोड़ा शौकी लोगों को ज्यादा, जिनको ज्यादा समझ है, हाँ ये अच्छा, ये उनके लिए है जो एकदम नवाब नहीं होते हैं, नवाब साहब तो कपड़े देखिए उसके ऊपर, उसका काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल था ऊद वाले का, ये स्टिक है, ये रोलन, रोलन तो बस ऐसे हल्का सा लगा दो गर्दन पे या हाथ पे, और स्टिक कैसे लगती है, स्टिक को खोल करके खींचना पड़ता है बॉटल में से, अच्छा उसके बाद हाथ पे लगा कर रब करके तभी लगाया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा गिर जाता है वही स्टिक में, स्टिक में कम निकलता है, रोलन से ज्यादा निकल जाता है, रोलन से ज्यादा होता है लगाने में, अच्छा लगा लेते हैं, स्टिक थोड़ा नजाकत वाला काम है, नहीं लखनऊ में तो है ही, हम लोग लखनऊ का ही मशहूर है इधर, हम दिल्ली से हैं पर वो तो लोग जान गए हैं, चौक में पड़ती है, चौक में कहाँ पड़ती है, चौक में नियर टुंडे कॉपी, नियर टुंडे कॉपी, ये पूरा प्रोसेस वगैरह, ठीक है ये आप चारों कर दीजिए, मुझे ये बताइए आप जो खाने में कैसे इतर इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है केवड़े का, किस केवड़े का, किस में, मीठे में इस्तेमाल होता है, केवड़ा तो नमकीन में और स्वीट में दोनों में इस्तेमाल होता है, अच्छा, और गुलाब जो है स्वीट में इस्तेमाल होता है, ये केवड़ा इतर है जी, ये खाने वाला इतर होता है, तो खस भी तो जैसे खाने वाला होगा, खस भी ये सब एडिबल ही है ना, क्योंकि एक तरीके से तो ऑयली है ना, ये दस्तक है, हाँ एडिबल नहीं होगा, एडिबल नहीं होगा, वो क्यों एडिबल नहीं होगा, फ्लावर्स स्मेल है ना, जो फ्लावर नहीं खाए जाते हैं, अच्छा कुछ कुछ फ्लावर्स जैसे नहीं खाए जाते, जैसे खस तो एडिबल है, कुछ पॉइजनस फ्लावर होंगे, हाँ मतलब हो सकते हैं, जैसे केवड़ा तो काफी चलता भी है, जिनका प्रोसेस रहता है कोई भी, ये जैसे स्टिक्स होती है ना, इस पे इन्होंने नाम लिखा, इस पे इसका 10 ml का रेट लिखा, और अब इसमें हल्का सा डाल के आपको ये, जैसे ये केवड़ा है, ये जितनी भी मुगलिया डिश बनती है सब में रहता है केवड़ा, और एक स्मेल में ये आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको गेस करना है ये किस चीज़ की स्मेल है, अरे यार ये गेम मत खेलो यार, ये भी एटीवेल है, ये एक डिश है पूरी है ना, अच्छा एक पूरी डिश बन के जब तैयार होती है तब ये स्मेल आती है, ये आपको इतना फाइन है ना ये केवड़ा वाला, अरे आप मैं तो वही कह रहा हूँ, इसका एक बूंद भी अगर हलवे में डाल दिया हमारे दिल्ली में ऐसी बिरयानी नहीं मिलती ना, अब क्या करें, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया है मैंने जो बिरयानी का सही कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते इसमें, इसका तो ये आप एक किलो राइस में जो है 5 drops डाल सकते हैं, मैं बोल तो रहा था ये बिरयानी जैसे खुशबू खेल रहे तो कोई गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए,
ये है प्रॉपर चौक पुराना लखनऊ, ये अल्फाज यूज होते हैं। हमारे शहर की तारीख, तारीख मीन हिस्ट्री, हमारे शहर की तारीख जानने वालों इधर से चार के पर्दे उधर गए कि नहीं। आपको मैंने एक खुशबू सुंघाई है जो गुलाब के बागीचे जैसी फील दे रही है। गुलाब यूं ही थोड़ी गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। अरे वाह, गुलाब यूं ही थोड़ी गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। गिला तो मुझको फसले बहार से है, फिजा तो फूल फलने के बाद आती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये खुशबू आपने ली है, इसका नाम है दस्तक। दस्तक, दस्तक मीन्स नॉक। और खुशबू का काम है कि आप लगाए हो तो सामने वाले की दिलो दिमाग को दस्तक दे। छन के आती है किवाड़ों से हिना की खुशबू, किसने ये रंग भरे हाथ से दस्तक दी है। बहुत यूं कह रही है कि दस्तक तो दे रहे हो बड़े आन बान से। दस्तक तो दे रहे हो बड़े आन बान से, आवाज क्या मिलेगी तुम्हें खाली मकान से। क्या बात, आपको शायरी का काफी ज्यादा शौक है। नहीं, ये खुशकिस्मती से हम लखनऊ में पैदा हुए। दिल की मिट्टी है मोहब्बत के गुलाबों के लिए, दिल की मिट्टी है मोहब्बत के गुलाबों के लिए, इस जमी पे न कभी दाना नफरत बोना। तुम किसी बज में जाकर के जहाँ भी बैठो, जाने क्या बात है पहचान लिए जाते हो। और एक मेरे पास खुशबू है, उसका नाम है महफिल। अच्छा। और रो कहते हैं, सफ कहते हैं रो को। हाँ। सफ उर्दू में जो कहते हैं उसको इंग्लिश में रो। आखिरी सफ में सही है तो इसी महफिल में, आखिरी सफ में सही है तो इसी महफिल में, तुम जो देखोगे तो क्यों ना दिखाई देंगे। तुम समझते हो कि रिश्तों की दुआई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हम यहाँ पे दिखाने तो लोगों को इधर आए थे, पर थोड़ा आपका चंद शब्द भी सुना दिए। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। थोड़ी सी अलग बनाई मैंने ये वीडियो, जो यूजुअली ट्रैवलिंग की वीडियोस होती है उनसे अलग। लखनऊ का एक कल्चर है, इम्पोर्टेंट कल्चर है पार्ट का, जैसे आपने देखा बिरयानी के नाम का भी इतर बना रखा है। भाई साहब क्या कर रहे हैं, और चल रहा है तो चल रहा है। एनीवे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक अलग सी कुछ वीडियो आएगी, एक आर्काइव्स में से स्पेशल वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको दिखाता हूँ क्या है। देन कीप एंजॉइंग एंड ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।